राजधानी लखनऊ में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों के पास से 340 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ यानी कैलिफोर्नियम बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 177 करोड़ रुपए प्रति ग्राम बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल सोने चांदी के खनन और बारूदी सुरंगों का पता लगाने में होता है। गाजीपुर पुलिस ने 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो दुनिया के सबसे महंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम बताकर एक धातु बेचने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपी 1,20,000 रुपए पहले ही पीड़ित से वसूल कर चुके हैं। बता दें कि लखनऊ के गाजीपुर इलाके में एक ही रात की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल और फिलहाल लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में रहने वाला अभिषेक चक्रवर्ती उसको एक पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहा है जिसको कैलिफोर्नियम बताया गया। आरोपी ने पूछताछ में उस पदार्थ का नाम कैलिफोर्नियम बताया है जिसकी बाजार में कीमत 177 करोड़ रुपए प्रति ग्राम है। आपको बता दें कि कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल सोने चांदी के खदानों और बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 340 ग्राम संदिग्ध कैलिफोर्नियम पदार्थ भी बरामद किया है। इस पदार्थ को परीक्षण के लिए IIT कानपुर भेजा गया है जिससे यह तस्दीक होती है पदार्थ वास्तविकता में क्या है। थाना गाजीपुर के इंस्पेक्टर प्रशांत मिश्रा ने बताया है कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन में तस्करों के आने की जानकारी मिली तभी चौराहे पर आ रही एक कार को रोका गया। कार में 8 आरोपियों के साथ 340 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में उस पदार्थ का नाम कैलिफोर्नियम बताया। इंस्पेक्टर के मुताबिक अभिषेक चक्रवर्ती पहले भी कई लोगों को ठग चुका है और इस तरह की ठगी के मामले में पश्चिम बंगाल में भी वह ठगी कर चुका है। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक के फैले नेटवर्क की पड़ताल में लखनऊ पुलिस फिलहाल जुट गई है और बताया जा रहा है कि अभिषेक इंटरनेट के जरिए भी लोगों को झांसे में लेकर इस तरह के पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहा है और झांसा देकर लोगों को ठगता रहा है।